Children, today we will study the relationship between multiplication and division. Multiplication और division एक दूसरे के opposite होते हैं. Remember, it's the inverse. एकदम opposite होते हैं. And also, we will learn that for every multiplication fact, we can derive two division fact. इसे हम या तो multiplication statement कह सकते हैं या तो multiplication fact कह सकते हैं. हर multiplication fact की help से हम दो division fact लिख सकते हैं. And the same is the case with division. हर division fact की help से हम दो multiplication facts लिख सकते हैं. Let's see this. You can see here 5 into 3 is equal to 15. This is a multiplication fact. Also, as we have studied earlier, that ये जो आपस में terms multiply हो रहे हैं ये factors कहलाते हैं और जो answer आ रहा है वो product कहलाता है. Okay. So, in multiplication, when you go from multiplication to division, तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये मल्टीप्लीकेशन फैक्ट है. तो जब हम प्रोडक्ट को किसी भी एक फैक्टर से डिवाइड करेंगे, आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने ये प्रोडक्ट है, मैंने प्रोडक्ट को एक फैक्टर से 5 से डिवाइड किया, तो आंसर या क्वेश्चन कह सकते हैं क्या आएगा, बचा हुआ फैक्टर आएगा. ओके, वेन एवर वी डिवाइड द प्रोडक्ट बाई एनी ऑफ द फैक्टर्स इन क्वेश्चन वी गेट द रिमेनिंग फैक्टर. यहाँ पे एक फैक्टर 5 लिया था, तो आंसर में या कोशेंट में क्या आया, रिमेनिंग फैक्टर 3 आया. यहाँ पे हमने 15 को 3 से डिवाइड किया, तो आंसर में बचा हुआ फैक्टर आया 5. ऑलराइट, यहाँ पे 5 लिया था तो बचा हुआ 3 आया था, यहाँ पे 3 लिया तो बचा हुआ 5 आया. आई होप इट्स वेरी क्लियर. नाउ फॉर डिवीजन, फॉर एवरी डिवीजन स्टेटमेंट ऑल्सो यू विल राइट, यू वी कैन राइट टू मल्टीप्लीकेशन स्टेटमेंट. एज यू कैन सी हियर, दिस इज द डिविडेंड, दिस इज द डिवाइजर एंड दिस इज़ द कोशंट. ऑल राइट, सो इसमें हम क्या करते हैं, जब हम इस कोशंट को और डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिविडेंट मिलेगा. सिंपल, इन दोनों को हम जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिविडेंट मिलेगा. ऑल राइट, और एंड वी हैव ऑल्सो स्टडीड बाय द रूल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन दैट मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है. All right, 2 into 3 is also equal to 6 and 3 into 2 is equal to also equal to 6. So, multiplication mein numbers ka order nahi matter karta hai. So, because order does not matter, to yahan pe humne 4 into 5 is equal to 20 likha hai. Isi ko ulta kar lenge, 5 into 4 is equal to 20 ho jayega. 5 pehle kar diya, 4 baad mein kar diya. Okay? So, these are two multiplication statements which we have derived from one division statement. That is very simple. कि अगर हम कोशेंट और डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिविडेंट मिलेगा और हम मल्टीप्लिकेंट्स का ऑर्डर चेंज करते हैं. ओके, इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी. लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल. 35 डिवाइडेड बाय 3 7 इज इक्वल टू 5. ये एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, डिवीजन फैक्ट है. इस डिवीजन फैक्ट से हम दो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये डिविडेंड मिलेगा. 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 35. ओके, अब हम इससे दूसरा फैक्ट कैसे निकालेंगे, ऑर्डर्स चेंज कर देंगे. 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35. गॉट इट, सिंपल. नाउ वील हैव अनदर एग्जांपल. फॉर एग्जांपल इट्स 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24. ओके, तो क्या करेंगे हम, ये इस मल्टीप्लीकेशन फैक्ट से दो डिवीजन फैक्ट निकालेंगे. दैट इज़, इस प्रोडक्ट को जब हम फैक्टर से, किसी एक फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन में हमें रिमेनिंग फैक्टर मिलेगा. गॉट इट, सिंपल.